तुम्हारा नाम अर्चना है ना? हाँ, पर तुम इतनी रात को यहाँ अकेले बैठकर कर क्या रही हो? तुम्हारी सांस कौन है? तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं? तुम रहती कहाँ पर हो? मैं इसी ट्रेन में रहती हूँ मेरे मम्मी पापा के साथ। तो क्या तुम्हारा स्कूल भी यहीं पर है? मैं स्कूल नहीं जाती, जब भी मेरा मन करता है तो फिर मैं यहाँ बैठकर शाम को देखती हूँ। ये मेरी डॉल है। I'm sorry, मुझे पता नहीं था। ये लो। लोग भी मर जाएंगे। अपने आप को बचा सकती है तो बचा ले। नहीं, नहीं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अर्चना बड़ी हो गई है और काफी समझदार भी है। बेटा आप जाओ, लेकिन ध्यान से जाना, ठीक है?
बात है जगत भाई, डरना बड़ा नया लग रहा है। हाँ यार, पेंट भी ठीक से नहीं किया, देखो अभी भी कई जगह पर जंग लगा हुआ है। कोई पुराना डब्बा हो कर पेंट कर दिया और लगा दिया गाड़ी में। सही कहा भाई आपने यार, ये रेलगाड़ी ना सिर्फ पार्ट से नहीं लगती है। इधर पढ़ता है आप लोग, पता है इसमें क्या हुआ है? इस बार सरकार ने ना रेलवे का किराया बढ़ा दिया, लेकिन ओवरऑल बजट में ना कटौती कर दी। लेकिन भैया हम किसी में हैं तो क्या करें, हमें तो अपना काम करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलो चलो आगे चलो। ये बताइए कि सुंदर बानो की क्या कहानी है? सुंदर बानो का इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं था, मेरे पिताजी ने मुझे यही बताया। ये क्या हो रहा है?
कुछ अनयूजुअल नहीं है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन था और कुछ भी नहीं। हाँ तुम चेक करो कैमरे को, तो कुछ नहीं हुआ। प्लीज या लेट मी चेक, लग तो ठीक ठाक रहा है। स्ट्रेंज ठीक है। हाँ ओके, तो हम फिर स्टार्ट करते हैं। ओके लेट्स बिगिन। या कितना अजीब लग रहा है, आज मैं अपनी पापा की फिल्म का एक अंश देखने वाला हूं। मैंने पहले कभी नहीं देखा, या इनफैक्ट शायद किसी ने भी कभी नहीं देखा। इट इज रियली एक्चुअली एक्साइटिंग। सुनीता तुम ये शूट कर रही हो ना? हाँ हाँ बाबा कर रही हूँ, इतना इंपॉर्टेंट मोमेंट है, शूट नहीं करूंगी। ओके तो एक काम करो, कैमरा रखो और आके तुम भी साथ में देखो। हाँ श्योर, क्यों नहीं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जल्दी आओ यार। आर यू बाबा, वेट। Come on! Wow. Yes. Okay. Ready? Yeah. Okay. Then let's go. ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम मजबूर थे लैला। अब कहाँ जा रहे हो लैला? लैला। लैला। बनाऊंगा ये फिल्म एकदम नए तरीके से, एक नया प्रोजेक्ट। सिकंदर जी मैं आपको एक सलाह दूं, मत कीजिए ये सब, बंद कर दीजिए। आप भी कहेंगे क्या बात कर रहा है। पहला शेड्यूल हम दोनों के सामने हुआ था, इसी स्टूडियो में शूटिंग हुई थी। कुछ था तब, और आज भी जब भी उसका नाम लिया जाता है तो कुछ ना कुछ बुरा ही होता है, कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। उसका नाम मतलब सुंदर बानो का नाम। यहाँ जो कुछ भी हो रहा ना सब उसी की आत्मा कर रही, वही आत्मा कर रही सब। यहाँ जो कुछ भी हो रहा ना सब वही कर रही सब। मैं तो कहता हूँ फिल्म बन रही है साहब, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ वही कर रही है। यहाँ तक आपको बता दी जान तक चली गई थी साहब। ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये सब बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं आप लोग? मुझे बहुत डर है। ये लोग जो कह रहे हैं ना सही कह रहे हैं, बिलीव मी। हमें सुन लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। प्लीज प्लीज तुम ये सब रोक दो, जस्ट स्टॉप इट नाउ, जस्ट रोक दो। आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, प्लीज रोक दो। चलो हम ऐसे चलते हैं। ओके तो इन लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, ये सब बकवास कर रहे हैं। डोंट। पर आप लोग जितनी भी रील आपके पास है इस मूवी की मेरे ऑफिस में भिजवा दीजिए, मैं उन्हें डिजिटाइज करना चाहता हूँ। ओके और हाँ, ये सब आपकी वार्निंग जो है ना ये सब अपने पास रखिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे बास और टू के कान भरे या उन्हें डराए, समझे आप लोग? सुनीत्रा एक काम करो, मेरा बाइट लो और साथ में ये न्यूज चलने दो। ओके अब देखिए लैला का श्राप, फिल्म लैला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, क्या है ये, कैसे हुआ। सुंदर बानो का नाम लेते ही मानो पहाड़ टूट पड़ता है। अब देखिए अपनी आंखों से। Thank you.
मैं दुनिया को यह दिखाना चाहता हूं कि कोई जिंक्स, कोई श्राप, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ महीनों बाद जब हमारी फिल्म रिलीज होगी तो हम देखेंगे और ये मानेंगे ये सब नॉनसेंस है, बकवास है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बस मैं वेट कर रहा हूं अपनी मूवी के रिलीज होने का। बेटा सिकंदर, तुम विश्वास नहीं करते ना, मेरी बात मानो और एक हवन करवा दो शूटिंग से पहले, बस मेरे मन की शांति के लिए, प्लीज सिकंदर। मॉम, इसकी क्या जरूरत है? लेकिन इसमें क्या खराबी है बताओ? अगर तुम हवन नहीं करवाओगे ना तो मैं फिल्म शूट ही नहीं करूंगी। प्लीज, इतना सब कुछ हो गया, बात मान लेने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, हमारे लिए कर दो प्लीज। ठीक है तो करते हैं हवन। हुँ? खुश भी, मैंने लाइटमैन को फायर कर दिया, अब वो कभी सेट पर नहीं आएगा। कितने एक्सीडेंट होंगे, कितने एक्सीडेंट होंगे सिकंदर, जिसके बाद तुम्हें यकीन होगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देखो रागनी, लोगों की बातें सुनकर तुम्हें ऐसा लग रहा है मगर सब ठीक है, ट्रस्ट मी। रागनी यार सुनो, मैंने ना अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, ये नहीं होगा ना तो सब खत्म हो जाएगा। इसके सिवा कुछ नहीं है यार मेरे पास, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये मैंने क्या किया यार, ये मैंने। तुम बचा लो अपने, तुम बचा लो अपने, तुम जाओ। किसी ने हमें टक्कर मारी है। कुछ
वुल्फ। स्टॉप इट। माँ मुझे ना वुल्फ देखना। अर्जुन
राखी, तुम लोग यहाँ कैसे फंस गए? यहाँ से कुछ आ रहा है। अर्जुन को ऊपर दो। अर्जुन कम आ जाए, जल्दी ऊपर। अर्जुन राखी तुम यहाँ, राखी गिव मी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। साक्षी कहाँ है रजत? उसकी तुम चिंता मत करो, साक्षी कुछ लोगों के साथ है, मैंने ही उसे वहां छोड़ा है। She's quite safe. Are you sure? हाँ, मैंने उसे कुछ लोगों के पास छोड़ दिया है। चलो यहाँ से। Move from there. I'll go. Be clear. Oh! Oh, God! Rajat, Papa! Rajat, what happened? Are you okay? No. I think I'm hurt. Arjun, go ahead. No. I'll come. No, Papa. No, Rajat. I'll leave you alone. I'll think about Arjun. Go here. Just try. Try again, Papa. Just try again, Papa. Come on. No, no, no. Papa, we'll kill him. Nothing will happen. No, son. Nothing will happen. Don't worry. जल्दी करो, अंदर आ जाओ। ये जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक दरवाजा खुला नहीं रख सकता। सभी आत्माओं को इस लड़की के शरीर में प्रवेश करवाने का। ये आत्माएं इस लड़की के शरीर में कैद होकर रहेंगी और हमारे कार्य सिद्ध करेंगी। गुरुजी, इस मासूम लड़की का शरीर इन दुष्ट आत्माओं को झेल पाएगा? हाँ हाँ, सिर्फ एक साल तक। और एक साल के बाद गुरुजी? फिर हम किसी दूसरी मासूम लड़की का शरीर तलाशेंगे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।